सरों की खरीद करके पहलों तो कुदरती मार के नाल किसान पहलों पीड़ित है भी बहुत ज़्यादा नुकसान होया है। तो जो कुछ चार दाने हुए वो सरकार खरीद के नहीं राजी कदे पोर्टल के नाम से पहलों सरों की जड़ी है पोर्टल पर चढ़ गया मेरी फसल मेरा ब्यौरा तो किसानों ने चढ़ाता लेकिन वो वेरीफिकेशन नहीं हुई वेरीफिकेशन बड़ी मुश्किल ने कराई उस तो बाद हुण मंडी च लैके आए हैं हुण तीन दिनों का सरसा मंडी के 12 दिन नहीं है। पहलों तो सब तो पहली कमी सरकार की है भी एक दिन से एक किसान तो 25 क्विंटल सरों खरीदे है अगर मेरी मान लो 62 क्विंटल सरों हुई है तो मैंने 3 वर लैके आनी पेगी एक 25 क्विंटल बेचने लिए 2 दिन चाहिए है 2 जने लैके आएंगे 2 दिन चाहिए 6 दिन चले गए तो साडा यह पीक सीजन हुंदा है तो इस 6 दिनों की बहुत वड्डी कीमत है किसान की जिन्हें अपनी फसल को संभालना है तो बेचना है। तो अज जिहड़ा मौके की स्थिति यह है जो 13 नंबर हैफड़ की दुकान है सोसायटी की दुकान है उस दुकान के सवेरे 7 बजे तो लैके हुण तक कोई मुलाजम नहीं सारे दुकान खाली पई है क्यों खाली पई है वो किसानों के बाद की गल का जवाब है नहीं उन्होंने कोल कल की जी सरों खरीदी से वो सारी पिंडों के पई है वह कोई बारदना नहीं है अज दोबारा तो जी सरों आई वो टोकन नहीं कट्टे जा रहे तो जो कल अज शाम तक भी सरों ना लेगी कल 3 दिन हो जाएंगे जो 3 दिन की सरों कट्ठी होगी उस बाद एक बहुत वड्डा एक किसान भी आपस के पहलों मेरी तोलो के दिक्कत आएगी उस हूँ जो कणक की वाढ़ी का भी पूरा जोर है तो कल या परसों अगर कणक पूरी ज़्यादा आ जाती है तो सरों जी सा रुल जूगी तो सानू खदशा है भी सरकार भजना चाहती सरों की खरीद तो ये बहाने टालम टोल करके तो साड़ी सरों खरीदना नहीं चाहती इस करके तुहाडे चैनल के माध्यम राही सरकार असी चेतावनी दें भी किसानों के नाल पोर्टल पोर्टल खेलना बंद करे किसानों की पहलों दुर्दशा बहुत है तीसरी फसल साड़ी बर्बाद हो चुकी है 2 समय पहलों नहीं लगे तो हुण साड़ी जिन्नी भी फसल है उनू एक एक दाने खरीदया जाए बड़ी नीयत नाल ते नीति साफ दे नाल अगर सरकार खरीदी है तो साडा किसान जो है बिल्कुल हुण पहलों मोचर का बना सी 8 दे मोचर ते लैंदे आ हुण मोचर भी 7 साढ़े 7 दे करीब रह गया फिर भी साड़ी सरों खरीदी नहीं जा रही।